सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे 99% आ गए तो मेरे को क्या SRCC मिल जाएगा? भाई उसके लिए तो CUT एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो फिर बोर्ड्स और CUT मतलब दोनों कैसे मैनेज करूंगा? टेंशन मत लो, पूरी वीडियो ध्यान से देखो, आप लोगों को भी समझ में आएगा और बच्चे आपको भी समझ में आएगा, अच्छे से समझते हैं इस चीज को, ठीक है? देखो भाई, जैसे अभी इस बच्चे का डाउट था तो ऐसा आप लोगों का भी डाउट होगा कि मैं बोर्ड में 90 के लिए पढ़ूं, 95 के लिए पढ़ूं या CUT की भी तैयारी करूं। तो भाई देखो, दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। एक तरफ आपका ड्रीम कॉलेज है, एक तरफ आपके बोर्ड के मार्क्स है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। और कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई दोनों साथ कर लो, कुछ कहेंगे सिर्फ बोर्ड कर लो, कुछ कहेंगे सिर्फ CUT कर लो। भाई मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों करने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एंड टाइम पे जाके CUT की तैयारी करते हो ना, तो उतना सक्सेस रेट नहीं है जितना अगर आप पैरेलल लेकर चलो। अब बात आती है सर, बड़ी प्रॉब्लम है पैरेलल कैसे लेके चले। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को ना सिलेबस क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो जो बोर्ड का सिलेबस है और जो आपका CUT का सिलेबस है वो प्रॉपर सेम है, बस CUT के सिलेबस के अंदर आपसे डिलीटेड पोर्शन भी पूछा जाएगा। तो उस डिलीटेड पोर्शन के लिए अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको एग्जाम के लाइक जैसे 10 अप्रैल का आपका एग्जाम खत्म हो जाएंगे सारे एग्जाम, उसके बाद आपको अपना जो फोकस है उस पर शिफ्ट करना है, अभी बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है। अब बात आती है सर, अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं है तो शुरू क्या करें? तो भाई सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कि आपने जब 4-5 महीने वेस्ट कर दिए और अब से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप लोगों के ना दिमाग में होना चाहिए दिसंबर तक कैसे भी सिलेबस खत्म करना है, फोकस NCERT पे रखना है, इतने से एक बात बन जाएगी बोर्ड की। और बात रही CUT की, तो जब आप बोर्ड के लिए NCERT से पढ़ रहे हो तो आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको कहूं, एक टॉपिक होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर n-1। तो ये जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है आपको पॉइंट वाइज बनाकर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हालांकि आपको भी पता है कि जब आप, ये तीसरा पॉइंट होने वाला मेरा, हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब MCQ क्वेश्चन देने वाले हो अपने बोर्ड के एग्जाम में, उसको हल्के में मत आंकना, क्योंकि MCQ पेपर के अंदर 80 में से 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर टोटल मार्क्स। अब ये 25% अगर आपको लाने हैं तो ये इसके लिए भी तो पढ़ना है ना भाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, कि जो 25% आप पढ़ोगे ना, ये यहाँ पर सिर्फ बोर्ड में काम नहीं आएगा, आपके CUT में 100% काम आएगा, क्योंकि इसी प्रकार का तो पूरा पेपर वहाँ पे बन रहा है ना भाई। तो सर मैं अपने आपको सेल्फ चेक कैसे दूँ कि मैं CUT के लिए भी सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ? तो भाई आप लोगों को ना साथ के साथ मॉक टेस्ट देने हैं। अब ये मॉक टेस्ट कैसे दोगे आप, देखो बहुत सारी साइटें आप जाकर दे सकते हो, फिर भी अगर आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए तो हमारे चैनल पर प्रीमियम कोर्स CUT के लिए आता है, जो बच्चों को शुरू से लेकर चीजों को करवाता है, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये MCQ की हो गई आपसे, तो आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज जो चीज थी ना कि भाई मार्क्स लाना, अब 98-99 की होड़ खत्म हो गई है। अगर आपके 98-99 ला रहे तो SRCC आपका होगा, ये इसमें कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। सबसे जरूरी चीज जो इसके अंदर होने वाली है ना, आप लोगों का CUT स्कोर होगा, क्या आपके CUT का स्कोर आ रहा है, तो वो आपके बोर्ड के मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे। बोर्ड्स के लिए पढ़ा गया सारा का सारा जो आपका नॉलेज है, जो दिमाग में आपके रहेगा, वो वहाँ पर आप जाकर उल्टी नहीं करनी है यार। जो आता है वहाँ पर MCQ के अंदर उल्टी थोड़ी ना होती है, MCQ के अंदर तो आप लोग तभी कर सकते हो जब आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें फिट हो। तो चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ो कि कॉन्सेप्ट समझ में आए। मार्क्स अगर आपके 100 में से 99, 98, 97, 96 यानी 90 नहीं भी आए मेरे भाई, 80 आ गए तो भी बात बन जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगर कोई और भी CUT और बोर्ड से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप ही लोगों के लिए, कहां से क्या करूं कैसे करूं सब मुझे बताओ, मैं पिन करता हूं आप लोगों के लिए, सारी चीज आपके रिप्लाई भी दूंगा और इसको हम आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।